गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का, क्लास ट्वेल्थ का, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रियस ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम कॉपर को क्यूप्रियस ऑक्साइड से अलग करेंगे। अब इलिंगम डायग्राम जो हमने पढ़ी थी पीछे, वहाँ पे कॉपर टू कॉपर कॉपर ऑक्साइड कर्व जो है वो ऊपर है, किससे? सी से कार्बन से सी ओ बनने वाला और कार्बन मोनोऑक्साइड से सी ओ टू बनने वाला लाइन से। जो रेंज है उनका टेम्परेचर का वो है 500 टू 600 केल्विन, ये आप देख सकते हो इलिंगम डायग्राम में। इसका मतलब है कि हम ये इजी है कि हम इसको रिड्यूस कर सकें क्यूप्रियस ऑक्साइड को, किसमें? मेटालिक कॉपर में, सिर्फ हीट करके कोक से, मतलब कार्बन ऐड करके। बट मोस्ट ऑफ द ओर ऑफ कॉपर आर सल्फाइड, मतलब मगर मोस्टली कॉपर की जो ओर है वो क्या है? सल्फाइड है। इसलिए सल्फाइड ओर को हम सबसे पहले क्या करते हैं? रोस्टेड करते हैं, रोस्टिंग करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? उसके ऑक्साइड में। तो CO2S अगर हमारे पास है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा CO2O प्लस SO2। जो ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें? मेटालिक कॉपर में। जब इसमें हम कोक ऐड करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ CO2O में कार्बन कोक ऐड किया है तो हमें मिल गया कॉपर। हाउ इन एक्चुअल प्रोसेस द सल्फाइड और आफ्टर कंसंट्रेशन बट फॉर रोटेशन प्रोसेस रोस्टिंग रिवर्बरेटरी फर्नेस व्हेन कॉपर पाइराइट इज कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ FeS एंड CO2S व्हिच इन टर्न आर पार्शली ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे जब हम सल्फाइड और जो इसमें होती है, जब इसकी कंसंट्रेशन करते हैं, मतलब क्रश करते हैं उसमें, फिर इसको फोर्थ रोटेशन प्रोसेस में डालते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, जो कॉपर पाइराइट है वो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और वो क्या बन जाएगा? उसमें FeS और CO2S बन जाएगा। तो FeS में हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमें FeO मिल जाएगा, FeO प्लस SO2 मिल जाएगा। तो कॉपर CO2S जो हमें मिला है उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो CO2O मिल जाएगा। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, आयरन सल्फाइड जो है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा FeO में, CO2S जो है वो कम होगा ऐड उसमें चेंज CO2 में। तो इफ़ एट ऑल एनी CO2 इज़ फॉर्म, अगर कहीं भी CO2 बनता है ये कंबाइन कर जाएगा FeS के साथ और वापस CO2S में चेंज हो जाएगा। तो CO2 अगर FeS के साथ मिल गया तो CO2S वापस बन जाएगा। तो दस द रोस्टेड ओर मेनली कंटेन, रोस्टेड ओर में क्या होता है? CO2S एंड FeO होता है और कुछ सम अनरिएक्टेड FeS होता है। रोस्टेड ओर जो होती है उसको मिक्स करेंगे सिलिका के साथ, SiO2 के साथ, तो हमें मिल जाएगा फेरस सिलिकेट ब्लास्ट फर्नेस में, जिसे हम स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा? FeO कंबाइन करेगा सिलिका के साथ तो क्या बन जाएगा? फ्यूजिबल फेरस सिलिकेट स्लैग। अब एट द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, अब टेम्परेचर में जो फर्नेस हो, टेम्परेचर जो होगा फर्नेस में, उस एंटायर मास मेल्ट एंड टू लेयर ऑफ मोल्टन मास आर फॉर्म। सारा कुछ जो उसमें होगा वो सारा मेल्ट हो जाएगा और दो लेयर बन जाएंगी। द स्लैग बीइंग लाइटर मेक द अपर लेयर विच कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम स्लैग। तो स्लैग जो होगी वो क्या होगी? लाइटर हो जाएगी और वो ऊपर से ऊपर आ जाएगी और नीचे जो होगा उस दोनों को हम अलग कर सकते हैं। लोअर मोल्टन लेयर इज कॉल्ड कॉपरमेट, जो नीचे लेयर होगी उसे हम कॉपरमेट होगी वो हम अलग कर देंगे, जिसमें CO2S होगा और कुछ FeS होगा। अब कॉपर में उसकी कॉपरमेट से उसको कॉपर को अलग करना है हमें, तो उसके लिए एक हमारे पास क्या है? बेसमेर कन्वर्टर है फॉर कॉपर। टू ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम मेट, द मोल्टन मेट इज ट्रांसफर टू ए बेसमेर कन्वर्टर। अगर हमें प्योर कॉपर चाहिए तो हम इसे बेसमेर कन्वर्टर में ऐड करेंगे। तो ये बनाया हुआ है बेसमेर कन्वर्टर, विच इज़ इन पियर शेप फर्नेस, जो पियर शेप फर्नेस होगा मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइंड इन साइड विद सिल्का, जिसमें क्या होगा? अंदर की तरफ स्टील होगा और सिल्का भी होगा, जो स्टील का बना होगा और अंदर की तरफ किसका होगा? सिल्का होगी लगी हुई। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो क्या बना है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंड कैन बी टिल्टेड इन एनी पोजिशन, हम उसको हिला सकते हैं। इट इज़ फिटेड विद स्मॉल पाइप्स कॉल्ड ट्यूराइज, इसको पाइप्स एड लगाई हुई हैं साइड में ट्यूराइज, थ्रू विच ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर एंड फाइन सैंड इज एडमिटेड, जिसमें से क्या करते हैं हम उसमें जो हवा या फिर जो होगी हीट होगी उसको प्रोवाइड करेंगे या मिट्टी पर प्रोवाइड करेंगे। अब प्रोसेस में जो बेसमराइजेशन उसमें क्या होता है? FeS जो होगा उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो हमें FeO प्लस SO2 मिल जाएगा। तो FeO में SiO2 ऐड होगा तो SiO3 मिल जाएगा, तो ये स्लैग बन जाएगा। तो कॉपर CO2S जो होगा उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो CO2O मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा, और CO2 में CO2S ऐड करेंगे तो CO प्लस SO2 मिल जाएगा। तो जो कॉपर मेटल जो हमें मिलेगा वो ट्यूराइज फॉल बिलो ट्यूराइज, ट्यूराइज के नीचे आ जाएगा एंड दस वहाँ से नीचे बाहर आ जाएगा।
आफ्टर द कम्प्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हो जाएगी, कन्वर्टर जो है उसको हम हिला सकते हैं और मोटर मेटल को हम अलग कर सकते हैं। और जैसा मेटल ठंडा होगा, डिजॉल्व SO2 एक्सेप SO2 जो होगी वो उसमें जो घुली हुई उड़ जाएगी, कुछ गैस बबल्स जो होंगे वो क्या होंगे फंस जाएंगे उसमें, उसमें जो सोल्यूशन होगा उसमें। द इम्प्योर मेटल जिसमें 1% इम्प्योरिटी होगी उसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलेंगे, ब्लिस्टर कॉपर जो होगा फाइनली प्योरीफाइड करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा।